नमस्कार, न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देश भर में 24 घंटों में 9,851 नए मामले, 273 लोगों की मौत। हर मुद्दे पर सियासत क्यों बीजेपी? बडगाम के सब्जी उगाने वाले किसान दिवालियेपन की कगार पर। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में यानी कल 4 जून सुबह 8 बजे से लेकर आज 5 जून सुबह 8 बजे तक सबसे ज़्यादा 9,851 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा बीते 24 घंटों में कोरोना से पीड़ित 273 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही इसी बीच कोरोना से पीड़ित 5,355 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,26,770 हो गई है, जिसमें से 1,09,462 मरीजों को ठीक किया गया है और कोरोना संक्रमण के कारण अभी तक कुल 6,348 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,10,960 हो गई है। ICMR द्वारा आज सुबह 9 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 43,86,379 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 1,43,661 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में ही हुई है। बीते दिन कोरोना संक्रमण के मामले सबसे अधिक मामले 16 राज्यों से सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र 2,933, तमिलनाडु 1,384, दिल्ली 1,359, उत्तर प्रदेश 508, गुजरात 484, पश्चिम बंगाल 368, हरियाणा 327, असम 316, जम्मू कश्मीर 285, कर्नाटक 257, राजस्थान 210, त्रिपुरा 176, मध्य प्रदेश 174, आंध्र प्रदेश 143, तेलंगाना से 127 और 130 नए मामले बिहार से सामने आए। साथ ही केरल से 94, उड़ीसा से 90, छत्तीसगढ़ 88, गोवा 87, उत्तराखंड 68, झारखंड 41, पंजाब 39, हिमाचल प्रदेश 24, नागालैंड 22, मणिपुर से 6, अरुणाचल प्रदेश और दादर नगर हवेली से 4-4 मामले और 3 नए मामले मिजोरम से सामने आए हैं। बीते दिनों देश के 6 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से कोई नया मामला सामने नहीं आया, जिसमें चंडीगढ़, लद्दाख, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मेघालय और सिक्किम शामिल हैं। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की तरफ। केरल में एक हथिनी को खबरों के मुताबिक पटाखों भरे अनानास खिलाने से उसकी मौत हो गई। अब बीजेपी इस पर भी सियासत करने में लग गई है। दरअसल कई खबरों ने पुष्टि की कि इस हथिनी की मृत्यु वास्तव में पलक्कड़ जिले में हुई, न कि मलप्पुरम जिले में। बीजेपी और मीडिया ये भुनाने में लगे हुए हैं कि हथिनी की मृत्यु मलप्पुरम में हुई, जो एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। अभिसार शर्मा ने इन सारे मुद्दों पर बात रखी। क्या बीजेपी के लिए कोई भी लक्ष्मण रेखा नहीं है? कि आप हर त्रासदी, हर बड़ी घटना में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं? आज मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोदी सरकार के नुमाइंदे तुषार मेहता ने कहा था कि जो लोग अपने एयर कंडीशन घरों में बैठकर गरीब मजदूरों की बात करते हैं वो प्रॉफिट्स ऑफ डूम हैं और वल्चर्स हैं, यानी कि कयामत के पैगंबर और गिद्ध हैं। आज ये सवाल मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, गिद्ध कौन? और मैं क्यों कह रहा हूं और मैंने क्यों कहा कि ये लोग हर त्रासदी में भी सियासत खेल सकते हैं? सबसे पहले इस घटना पर गौर कीजिए, पूरा देश इससे हिल गया था। किस तरह से एक हाथी को एक पाइनएप्पल, एक अनानास खिलाया गया जिसके अंदर बॉम्ब्स थे, उसका जबड़ा फट गया। ये जो हथनी थी वो प्रेग्नेंट थी, यानी कि पेट में जो बच्चा था वो भी मर गया। एक हृदय विदारक घटना और पूरा देश इससे हिल गया। ये केरल के पालक्काड़ जिले में हुआ। बताया जाता है कि यह हाथी साइलेंट वैली नेशनल पार्क से आया था, मगर भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी सियासत ढूंढ ली है। इसमें भी कहीं ना कहीं वो मुस्लिम एंगल ढूंढ रहा है, कैसे मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी घटना आपकी स्क्रीन पर, आप सब जानते हैं कि बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर वापस बिहार लौट रहे हैं। बिहार के अंदर जो क्वारंटीन व्यवस्थाएं उस पर ढेरों सवाल हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी पहले यह फैसला करती है कि हम 9 जून को बिहार में वर्चुअल चुनावी रैली करेंगे, यानी कि बिहार चुनावों की तैयारी इन्होंने अभी से कर दी। बाद में इसे इन्होंने प्रीपोन कर दिया और 7 जून को करने वाले हैं। क्या आपके लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है? क्या यह वक्त है चुनावी रैलियां करने का, वर्चुअल चुनावी रैलियां करने का? क्योंकि आप पहले ही कह चुके थे कि हम 10 करोड़ घरों तक, 10 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे। एक ऐसे वक्त जब देश एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहा है, आप अब भी अपनी सियासत खेल रहे हैं। मगर मैं सिलसिलेवार तरीके से इन दोनों घटनाओं की बात करने वाला हूं। सबसे पहले यह घटना जिसने हम सबको हिलाकर रख दिया है, एक प्रेग्नेंट गर्भवती हथनी, उसे एक पाइनएप्पल खिलाया जाता है, एक अनानास जिसके अंदर बॉम्ब्स होते हैं।
ये इसके मुंह में फट जाता है, बाद में हथनी पानी में जाकर खड़ी हो जाती है और अपने प्राण त्याग देती है। हालांकि पत्रकार राजदीप सरदेसाई की इस ट्वीट के मुताबिक हाथी की मौत पटाखों से सने अनानास खाने की वजह से नहीं हुई, बल्कि ये एक जाल था जो जंगली सुअरों के लिए बिछाया गया था जो कि किसानों की फसल को बर्बाद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी सियासत घोल ली है? कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि देखिए, केरल ने जो कोरोना संकट को लेकर जिस तरह का बेहतरीन काम किया है उसके लेकर तो ये लोग सवाल नहीं उठा पा रहे हैं। अब इस वक्त भी इन्होंने सियासत खेली, कैसे, मैं आपको बताता हूं। इसमें भी ये लोग हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके सामने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का यह बयान, वो क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने मल्लपुरम में हाथी की जो मौत हुई है उसे गंभीरता से लिया है। हम जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उसे पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है इस तरह से हाथी को फायर क्रैकर देना और मार देना। इसमें कई गड़बड़ है। सबसे पहले ये मल्लपुरम का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों मैं स्पष्ट कर दूं, दोस्तों ये घटना मल्लपुरम में नहीं हुई है, ये घटना हुई है मनरकाड़ फॉरेस्ट डिवीजन में जो कि पालक्काड़ जिले में आती है। अब आप सोचेंगे ये लोग मल्लपुरम का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि मल्लपुरम केरला के अंदर एक मुस्लिम बाहुल इलाका है। और सिर्फ प्रकाश जावड़ेकर ये नहीं कह रहे हैं, इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके सामने केंद्र में एक और नेता भारतीय जनता पार्टी सांसद मेनका गांधी भी हैं। उन्होंने क्या ट्वीट किया आप देखिए। मल्लपुरम इज नोन फॉर इट्स इंटेंस क्रिमिनल एक्टिविटी स्पेशली विथ रिगार्ड्स टू एनिमल्स। नो एक्शन हैज एवर बीन टेकन अगेंस्ट अ सिंगल पोचर और वाइल्ड लाइफ किलर, सो दे कीप डूइंग इट। आई कैन ओनली सजेस्ट दैट यू कॉल ईमेल फॉर एक्शन। यानी कि मल्लपुरम का यहां पर नाम लिया जा रहा है और अब तक जो भी खबरें आ रही हैं उन सब में यह बात स्पष्ट है कि यह घटना पालक्काड़ जिले में हुई। और दूसरी बात, प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ है इस तरह से किसी हाथी हथनी को पटाखा खिलाना, उसे मार देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रकाश जी, इस तस्वीर में जब देहरादून में बीजेपी के विधायक गणेश जोशी ने एक पुलिस के घोड़े के पांव पर मारा था, शक्तिमान नाम का एक घोड़ा था, उसका पांव टूट गया था और कुछ दिनों बाद वो मर गया था, तब आपकी भारतीय संस्कृति कहां गई थी बताइए ना? तब तो आपने भारतीय संस्कृति की बात नहीं की थी। और जहां हाथी हिंदुओं के लिए पूज्य है, क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है कि रामायण में एक प्रकरण था जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ, इसमें किस जानवर का प्रयोग किया गया था? तस्वीर देखिए, घोड़े का इस्तेमाल किया गया था। तब आपको क्या भारतीय संस्कृति और रामायण की याद आई थी जो अब आप इस मुद्दे में भारतीय संस्कृति ढूंढ रहे हैं? बतौर पर्यावरण मंत्री इस खबर के मुताबिक आपने कहा था कि नीलगाय और जंगली सुअरों को हम पैरासाइट्स के तौर पर, वर्मिन के तौर पर अगर राज्य चाहें तो ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो उन्हें मार सकते हैं। ये दोनों तो प्राणी है ना, इनके अंदर भी जान है कि नहीं है बताइए। तो मैं जो आपसे पूछने का यहां प्रयास कर रहा हूं कि इस तरह के दोहरे मापदंड क्यों और इस मुद्दे पर भी आप सियासत कर रहे हैं। मैं आपको एक और दिलचस्प चीज बताता हूं, गोदी मीडिया अब लगातार यह फोकस कर रहा है कि किस तरह से यह घटना मल्लपुरम में हुई। आपके सामने ANI की खबर, इसमें क्या कहा गया है, पिनरई विजयन के बयान को पेश किया गया मगर साथ में बहुत ही खूबसूरती से मल्लपुरम जोड़ दिया गया है। Strict action will be taken against those who are responsible for killing the pregnant elephant. Forest Department is probing the case and the culprits will be brought to book. Pinarayi Vijayan, Kerala CM on elephant death in Mallappuram after being fed cracker stuffed pineapple. यहां पर मल्लपुरम का नाम ले लिया। अब आपके सामने सी न्यूज की खबर, मेनका गांधी ने केरला सरकार की आलोचना की, राहुल गांधी से भी सवाल किया कि आखिर मल्लपुरम में एक गर्भवती हथिनी को क्यों मार दिया गया। अब देखिए रिपब्लिक, केंद्र सरकार ने कार्रवाई का भरोसा जतलाया और राज्य सरकार से केरल के मल्लपुरम में एक गर्भवती हथिनी की मौत पर रिपोर्ट मांगी। बार बार मल्लपुरम का जिक्र किया जा रहा है, जबकि जैसा मैंने बताया कि अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं
इस वक्त ये जो घटनाक्रम है वो मनकड़ फॉरेस्ट डिवीजन में हुई। पता कीजिए, मनकड़ फॉरेस्ट डिवीजन जो है वो पालक्काड़ जिले के अंदर है, इसका मलप्पुरम से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अब तक जो फॉरेस्ट डिवीजन के लोग कह रहे हैं कि ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क से आया है, जो फिर पालक्काड़ जिले में है, वो पालक्काड़ जिला जो तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, जो मुस्लिम बाहुल नहीं है, मगर जानबूझकर मलप्पुरम एंगल को यहां पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और जैसे मैंने कहा ना, यहां पर भी धर्म को जोड़ना, यहां पर भी मुस्लिम एंगल जोड़ना, यहां पर भी सियासत करना। एक हाथी हथनी मर गई, एक गर्भवती हथनी मर गई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, मगर उससे भी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर भी सियासत कर रही है। क्या आपको शर्म आती है? क्या आपके लिए कोई भी लक्ष्मण रेखा है? और मैं फिर वो सवाल दोहराना चाहूंगा, ऐसे में गिद्ध कौन है? हु इज द वल्चर, हु इज द प्रॉफिट ऑफ डूम? विल द बीजेपी माइंड आंसरिंग माई क्वेश्चन? कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान यातायात न मिलने के कारण कश्मीर घाटी में किसानों की सब्जी की फसल बड़ी मात्रा में सड़ गई है। इससे उन्हें बेहद नुकसान हुआ है और अब भी वे कम बिक्री की मार झेल रहे हैं। यह स्थिति एक के बाद दूसरे लॉकडाउन की वजह से पैदा हुई तमाम संकटों में से एक है। देखिए न्यूज़ की यह खास पेशकश, जो घाटी के किसानों की परेशानियों को उजागर करती है। जो ये चाडोरा है, ये डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में पड़ता है और श्रीनगर से ये 15 किलोमीटर दूर है। और बदकिस्मती की वजह से आज यहाँ पे जो लॉकडाउन हुआ है, कोरोना वायरस हुआ है, कोरोना वायरस की वजह से आज हमारे यहाँ इलाके में, जिसको छोटा पंजाब कहा जाता है, मुख्तलिफ सारी मंडियों में, अब बदकिस्मती की वजह से ये आज जो हमारा फसल तैयार हुआ है, हम ये मंडियों तक नहीं लेके जा रहे, हम ये जम्मू नहीं पहुंच पा रही हमारी ये सब्ज़ी। अब हम लेके भी जाते हैं मंडी में तो रास्ते में बड़ी दुश्वारी आती है, अब हम श्रीनगर जाते तो रास्ते में दुश्वारी आती है। यहाँ पर फूल गोभी, बंद गोभी, गाजर, आलू, प्याज, बहुत सारी वेराइटी यहाँ पर हमारे इस इलाके में सब्ज़ी निकलती है। ये डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में माना जाना हुआ इलाका है, जिसको छोटा पंजाब कहा जाता है। तो लॉकडाउन की वजह से जो प्रॉब्लम्स हमारी इस गांव में आ रही है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हमारे इस इलाके को, जो कि खासकर सब्जियां जो हम पैदावार यहां पे प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, तो बहुत सारी वैरायटियां हमारी गांव से निकल रही है, चाहे वो गाजर हो, फूलगोभी हो, कैबेज हो, लहसुन हो, पालक हो, मूली हो, तो इतनी सारी सब्जियां जो हमारे गांव से है तो प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन इस साल जो लॉकडाउन की वजह से है, हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहां पे हो रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ता है। चाहे हमें ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें गाड़ियां नहीं मिल रही है, तो जिसकी वजह से हम अपने इस प्रोडक्ट को बाहर तक पहुँचा सके, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें ट्रांसपोर्ट के हवाले से है। तो दूसरी प्रॉब्लम जो हमें हो रही है इस टाइम कि हमारे पास वगैरह पासेस नहीं हैं, तो पासेस हमें नहीं मिल रहे हैं, तो इसके इस बिना पे जो हमारे जो यहाँ से ऑटो वाले सब्जी लेके जा रहे हैं, तो बीच में उनको रोका जा रहा है, तो जिसकी वजह से ये सब्जियाँ बाद में ख़राब होती है। आज हमारा ये फसल तैयार हो गया, अब हमें ये काटना है, किसी नदी में फेंकना है, ये हमारा कचरा बन गया यहाँ पे, क्योंकि वक्त पे ये हमें ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था, वक्त पे हमारे मजदूर यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। अब दूसरा फसल हमें लगाना है, हम क्या करेंगे? किसी के पास एक कनाल है, किसी के पास दो कनाल है, कोई इसी पे गुजारा करता था, किसी का ये रिजिक है ये, लेकिन आज क्या करें? कोरोना वायरस की वजह से आज हमारा ये सारा ये भी पड़ा हुआ है। यहाँ तो सब्जी बहुत अपनी आती है, कश्मीरी सब्जी है, ये तो बाहर जाती थी, अब लॉकडाउन है, तकरीबन 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, तो
इस वजह से यहाँ से सब्जी बाहर जाती नहीं है, करगिल जाती थी, जम्मू जाती थी, अब यहाँ रुकी है सब। ये सड़ी हुई सब्जी है, बिल्कुल सस्ती है। जमींदार बेचारे को कुछ आता ही नहीं है, मरने पर पहुँचे हैं जमींदार बेचारा। जब उसको अपना पैसा भी नहीं आया, मजदूरी का पैसा भी नहीं आया, तो बहुत मुश्किल है इस वक्त आवाम में। मेरा ये चीज़ की नुकसान हुआ बहुत, हमारा लॉस हो गया जो ये लॉकडाउन की वजह से। बहुत ही ज़्यादा हमारा जितने भी फल और फ्रूट या सब्जी थी हमारी, ये सारा का सारा नुकसान हो गया, लॉस में चल रहा है अभी। कम से कम 6-7 लाख रुपया तो मेरा भी नुकसान हो गया लॉकडाउन की वजह से, पहले स्टार्टिंग में ही अंगूर में, क्योंकि मेरे पास 3 गाड़ियाँ अंगूर थी उस टाइम, तो लॉस हो गया। व्यापारी का लॉस समझो, अपना ही लॉस होता है। और उसके बाद हमने कुछ प्याज मंगवाए, उसमें भी लॉस हो गया। तो बेसिकली ये लॉस में ही चलती है मंडी, अभी भी लॉस में ही चल रही है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।